आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वेबिनार है, वैसे तो बहुत छोटा वेबिनार है, लेकिन बहुत आवश्यक है। जो भी क्लाइंट शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व हैं, खासकर कैश की ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं या BTST है, आप सभी के लिए ये जो नया अभी रूल आ रहा है कैश मार्जिन का, यह इसको समझना और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी तक इतने वर्षों से जो जिस प्रकार से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके मुकाबले में अभी ये इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज है। कई जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है। हम बार बार उनको मैसेज और अलग अलग माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इसलिए भी जानना जरूरी है कि इसमें जो पेनल्टी का प्रोविजन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लगभग 1% से लेके 5% पर डे की पेनल्टी का चांसेस है, और ये पेनल्टी बहुत सीवियर है। कई बार क्या होता है कि हमारे बोलने से भी कई बार क्लाइंट जो है वो डेबिट क्लियर करता नहीं है, पहले हमारे मार्जिन की वजह से या मोतीलाल ओसवाल के मार्जिन की वजह से हमें पेनल्टी नहीं लगती थी और कई दिनों तक हम वो डेबिट उसको कैरी करते थे। लेकिन आने वाले टाइम में ये अभी उस प्रकार से होगा नहीं। तने ने बहुत एक बढ़िया सा और बहुत सिंपल प्रोविजन बनाया है, इसके माध्यम से आपको वो सब समझाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ठीक ढंग से पूरा समझिए, जहाँ भी आपको डाउट है वो इमिजिएटली वो डाउट क्लियर कीजिए। तीन चार चीज़ें मेनली है कि मार्जिन रखना है आपको, स्टॉक्स जितने भी हमारे पास होल्डिंग में है डीमैट में, हमारे को अगर एक्स्ट्रा मार्जिन की बिल्कुल थोड़ी भी आवश्यकता होगी तो स्टॉक प्लेजिंग का जो प्रोसेस है वो करके रख लेना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमको कभी एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत है तो MTF जो है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, उसका प्रोविजन मोतीलाल वालों ने दिया है, उसका भी तने आपको समझाएगा। वो उसको आप एक्टिवेट करके रखिए ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी है तो उसमें वो काम आएगा। और पेनल्टी का जो प्रोविजन है जो भी तने बताएगा उसको आप ठीक से समझिए। अगले कुछ दिन तक थोड़ा कम ट्रेड करेंगे हम, लेकिन किसी भी हालत में डेबिट हमारे अकाउंट में नहीं रखेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा वैसे हम लोगों को भी समझ में आएगा और फिर उसके उसी अनुसार हम आगे का काम कर पाएंगे। मेरे ख्याल में तने आप चालू कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट यही है कि एकदम सिंपल शब्दों में, बिना टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, ऐसे शब्दों में समझाएं ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके परफेक्ट सर, थैंक यू। ओके, यू कैन स्टार्ट एंड कीप इट वेरी सिंपल, और सभी क्वेश्चन जितने भी हैं एकदम ठीक से क्लियर करें। और मेरा ये तने आपसे रिक्वेस्ट भी है कि कुछ दिनों तक क्लाइंट के ऊपर न डालते हुए, जो भी उनको स्टॉक प्लेजिंग करना है या जो भी, वो अपने अपने लेवल पे हम उनको हेल्प करें। परफेक्ट, हाँ, बाद में धीरे धीरे वो खुद भी कर सकेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक हमको वो प्रोविजन हमारे पास रखना है ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं आवे। ओके, यू कैन स्टार्ट एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. So good evening everyone. So myself Tanay Agarwal. I am the business developer for Shriman Shares and Investment Consultants. So आज का जो वेबिनार है इट्स रिगार्डिंग द सेबी रूल्स, जो हमारे सेबी की तरफ से जो कल से एक रूल एप्लीकेबल हो रहा है जिसको मार्जिन प्लेज नाम दिया गया है। कैश सेगमेंट में स्पेसिफिकली रूल हो रहा है। आई जस्ट टर्न ऑफ माई वीडियो वंस बिकॉज यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, इन केस इफ आई गेट डिसकनेक्टेड और देर इज अ वॉइस इज क्रैकिंग और समथिंग, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस थ्रू आउट दिस वेबिनार, आप उसको चैट बॉक्स में टाइप करके रखिए। जैसे ही वेबिनार खत्म होगा तो क्यू एंड ए राउंड में मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। सो द रूल इज अबाउट मार्जिन प्लेज। अभी मार्जिन प्लेज बेसिकली क्या है, मैं आपको एक बार सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। इसके पहले, आज से पहले, जब भी हम कोई ट्रेड करते थे या इन्वेस्टमेंट करते थे तो जनरली क्या होता था, आप आपके ब्रोकर को कांटेक्ट करके उनसे लिमिट लेते थे। लिमिट के बेसिस पे आप शेयर्स बाय करते थे और फिर अगले 1 या 2 दिनों के अंदर आप वो जो डेबिट लगा है आपके अकाउंट में बाइंग करने से, उस डेबिट को आप चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू क्लियर करते थे। तो आपको पता होगा कि जैसे हम शेयर्स बाय करते हैं तो हमको T+2 में उसका डिलीवरी आता है, यानी जब हम शेयर्स लेते हैं तो अगले 2 दिनों के बाद में हमारे डीमैट में वो शेयर आता है और तब तक हमको वो डेबिट क्लियर करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता था कि लोग शेयर खरीद लेते थे, 2 दिन के बाद में भी डेबिट क्लियर नहीं करते थे और फिर वो डेबिट कैरी फॉरवर्ड होता जाता था और फिर तीसरे या चौथे दिन RMS सेलिंग करता था, राइट? अब वो सिस्टम पूरा बंद हो चुका है।
अब एक मार्जिन प्लेज नाम का एक सिस्टम सामने आया है जो सेबी ने एप्लीकेबल किया है। इसमें होता यह है कि अगर आपको कोई शेयर खरीदने के लिए लिमिट चाहिए तो आपको पहले से एडवांस में अपने कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को गिरवी रखना पड़ेगा या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पहले से मेंटेन करके रखनी होगी विच इज समवॉट अराउंड 20-30%। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपको 1,00,000 रुपए का समझो शेयर खरीदना है तो पहले क्या होता था, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी होगा तो ब्रोकर आपको 1,00,000 का लिमिट दे देता था, उस बेसिस पे आप शेयर्स खरीद लेते थे और फिर अगले 2 दिनों में आप 1,00,000 को क्लियर करने के लिए आप चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते थे। अब ऐसा होगा आगे से, मार्जिन प्लेज का मतलब है कि अब अगर आपको 1,00,000 के शेयर्स लेने हैं तो आपके अकाउंट में 20-30,000 रुपीज कैश पहले से होना चाहिए। अगर कैश नहीं है तो 20-30,000 की वैल्यू का शेयर्स आपके अकाउंट में ऑलरेडी होना चाहिए। लेकिन ये शेयर सिर्फ अपने अकाउंट में रखने से काम नहीं होगा, आपको इस शेयर को प्लेज करना पड़ेगा। उसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो उसको आपको गिरवी रखना पड़ेगा, मराठी में बोलते हैं गहाण ठेवणे। तो प्लेज करना मतलब आपको उसे एक मार्किंग करनी है कि मेरे ये शेयर्स है जिसकी कीमत है, जिसकी वैल्यूएशन है अप्रोक्सीमेटली 30,000 और इसको मैं आपके पास गिरवी रख रहा हूँ और इसके बदले में आप मुझे लिमिट दीजिए जिससे मैं आगे के शेयर्स खरीदी कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो सिस्टम सेट किया गया है ये 20-30% के बीच में इसको रखा गया है। तो इसको अभी हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अर्लियर सिस्टम यूज टू टेक कोलैटरल ऑटोमेटिकली, बट 1 सितंबर के बाद यू हैव टू मैन्युअली प्लेज। इसका मतलब ये कि पहले आप जब भी कोई शेयर्स आप लिमिट लेते थे तो क्या होता था, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके कुछ शेयर्स को कोलैटरल ले लेता था। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो उसको प्लेज कर लेता था और उसके सामने आपको लिमिट मिल जाता था जिससे आप उसमें बाय सेल कर सकते थे, ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन 1 सितंबर के बाद आपको पहले मैनुअली अपने शेयर्स को गिरवी रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लिमिट मिलेगा। मिनिमम 20-25% मार्जिन टू बी मेंटेन्ड ऑन बाइंग डे, मतलब आपको बाइंग करने से, बाइंग जिस दिन आपको करनी है, फॉर एग्जांपल मंडे को बाइंग करनी है तो मंडे को आपका 20-25% तक का मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। यानी अगर आप मंडे को 1,00,000 रुपए का शेयर बाय करना चाहते हो तो मंडे को आपका पास में 20-25,000 रुपीज कैश या फिर 20-30,000 रुपीज की वैल्यू के शेयर्स ऑलरेडी प्लेज मार्क होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेज उस दिन मार्क करना पड़ेगा, प्लेज आपको एडवांस में मार्क करके रखना पड़ेगा, उस दिन उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके लिमिट मिलेगा और तब जाके बाइंग होगा। बाइंग होने के बाद में आपको फुल अमाउंट जो है, जितना भी आपने अमाउंट की बाइंग की है, वो अमाउंट आपको T+2 पे क्लियर करनी है। यानी ट्रांजेक्शन जिस दिन आपका हुआ है उसके 2 दिनों के अंदर अंदर आपको क्लियर करना होगा आपका डेबिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंडे को शेयर्स बाय किए हैं तो आपको पता है कि उसकी डिलीवरी आपको T+2 पे आएगी, यानी कि वेनसडे तक उसकी डिलीवरी आने वाली है। तो आपका जो चेक है हमारे पास लास्ट टू लास्ट ट्यूजडे को आ जाना चाहिए, जिससे होता क्या है कि हम ट्यूजडे को चेक डिपॉजिट करेंगे और फिर वो वेनसडे तक वो क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, नेट बैंकिंग, UPI, NEFT, RTGS, तो फिर लास्ट टू लास्ट आप वेनसडे तक कर सकते हो। तो मंडे ट्यूजडे वेनसडे मैंने क्यों लिखा है कि अगर आपकी बाइंग मंडे को हो रही है तो 2 दिनों के अंदर अंदर आपके डेबिट जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। वरना जैसे राजेश सर ने बताया कि RMS जो सेबी के पेनल्टी लॉज है वो चेंज हो गए हैं, काफी स्ट्रिक्ट हो गए, तो आपको उसके ऊपर काफी हैवी पेनल्टीज अब पड़ सकती है जो पहले नहीं लगती थी। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि फॉर टेकिंग लिमिट इट इज कंपल्सरी टू प्लेज शेयर्स। आज तक, आज 31 अगस्त है, आज तक आपको अगर कोई लिमिट चाहिए था, जैसे मेरे कोई क्लाइंट्स थे जिसको ट्रेडिंग करने के लिए लिमिट चाहिए था, तो वो क्या करते थे, मुझे कॉल करते थे या मेरे ऑफिस में कॉल करते थे और वो हमसे डायरेक्टली लिमिट लेते थे कि सर मुझे एक 50,000 का लिमिट दीजिए, मुझे शेयर बाय करना है। हमने हमारे टर्मिनल पे 50,000 का एंट्री मारा और उनके अकाउंट में 50,000 का लिमिट अवेलेबल हो गया जिससे वो अपना ट्रांजेक्शन कर लेते थे। कल से यानी 1 सितंबर 2020 से ये सिस्टम बंद हो जाएगा। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपको लिमिट डायरेक्टली नहीं मिलेगा। अगर आपको लिमिट चाहिए तो आप पहले से मार्जिन मेंटेन कीजिए या फिर अपने शेयर्स को एडवांस में प्लेज करके रखिए। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स हैपेंस थ्रू OTP प्रोसेस, यानी ये जो प्लेजिंग का जो सिस्टम है ये OTP के थ्रू होगा। मैं मेरे एंड से अभी जैसे राजेश सर ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मैं आपको, हम हमारे ऑफिस की तरफ से हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे प्लेजिंग करने का, तो हम लोग हमारी तरफ से शेयर्स की प्लेजिंग मार्क करेंगे, आपको एक OTP जाएगा, जब वो OTP डालेंगे तो ही आपकी प्लेजिंग मार्क होगी। ठीक है, और टुडे ऑल स्टॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम कोलैटरल, इसका मतलब ये है
कि अब तक में जिनके भी डेबिट्स चल रहे हैं या जिन्होंने भी अपने शेयर्स कोलैटरल देकर कोई पोजीशन बना रखी थी, आज शाम को वो सारे स्टॉक्स रिलीज होने वाले हैं। तो मेरा सजेशन सब लोग को यही है कि आप आज के आज ही सारी प्लेजिंग कर दीजिए, यानी कल से आपको मार्जिन शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। वरना क्या होगा, अगर आज आपने कोई मार्जिन प्लेजिंग नहीं किया, ठीक है, और आपके शेयर्स आज शाम को रिलीज हो गए और आपका डेबिट फिर भी खड़ा है, तो कल से आपको शॉर्टेज आना शुरू हो जाएगा और उस पर पेनल्टी पड़ने शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लेजिंग और अनप्लेजिंग करने के लिए ₹10 प्लस GST लगता है पर कंपनी। आप चाहे एक कंपनी का एक शेयर करो या 100 शेयर करो या 1000 शेयर करो, पर कंपनी आपको ₹10 प्लस GST भरना होगा CDSL को। और ये एवरी टाइम, यानी हर बार। अब ये हर बार कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आज आप बजाज फाइनेंस का शेयर प्लेज कर रहे हो ताकि आपको लिमिट मिल सके, तो बजाज फाइनेंस का शेयर आपने आज प्लेजिंग कर दिया, ₹10 प्लस GST उस पर भर दिया। अब अगले कुछ दिनों के बाद में अगर आपने बजाज फाइनेंस को बेच दिया और फिर थोड़े दिनों बाद आपने बजाज फाइनेंस वापस खरीद लिया, तो फिर से आपको बजाज फाइनेंस का प्लेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिए कि प्लेजिंग करना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर टू, आप डेबिट मत रखिए और जितना हो सके उतना अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कीजिए और उस पर काम कीजिए, ताकि ये आपका प्लेजिंग का इशू भी नहीं होगा आपको। और अगर आपके पास क्रेडिट है अकाउंट में तो आप उसके ऊपर आपको लिमिट्स इजीली मिल जाए करेंगी, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अपडेट द मार्जिन प्लेज स्टॉक्स ऑन ट्रेडिंग सिस्टम। अब जैसे आपने बोला कि भाई मंडे मॉर्निंग आपने मुझे फोन किया, ठीक है, आपने मंडे मॉर्निंग मुझे फोन किया, बोले कि यार मुझे लिमिट चाहिए, मुझे 1,00,000 का लिमिट दो। मैंने आपको बोला सर आपको लिमिट तभी मिलेगी जब आप मार्जिन प्लेजिंग करोगे। मतलब क्या, 1,00,000 का लिमिट लेने के लिए आपको कम से कम 20,000 से 25,000 का क्रेडिट रखना है या 20-25,000 के वैल्यू के शेयर्स रखने हैं। तो आप बोलोगे उसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको उसका प्रोसेस करवा के दे दूंगा, ठीक है। आपको OTP आएगा, आप OTP डालेंगे, आपका प्लेजिंग हो जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे आप मुझे आप लिमिट दो, तो मैं आपको बोलूंगा सर अब आपको लिमिट नहीं मिल सकता, अब आपको लिमिट कल मिलेगा। तो आप मुझे पूछोगे कि भाई अगर मैंने अभी प्लेजिंग कर दी तो मुझे लिमिट कल क्यों मिलेगा, मुझे आज चाहिए लिमिट। तो उसका पॉइंट नंबर वन पे आंसर लिखा है, वंस यू डू द प्लेजिंग देन यू विल गेट द लिमिट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। यानी इसका मतलब ये है कि आपको आज अगर आप प्लेजिंग कर रहे हो तो लिमिट आपको कल से मिलेगी, कल अगर आप प्लेजिंग करोगे तो लिमिट परसों से मिलेगी, ठीक है। हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू डू द मार्जिन प्लेज इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट लिमिट इशू। मतलब मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आज ही सारा मार्जिन प्लेजिंग कर लीजिए ताकि अगले दिन आपको इजीली लिमिट मिल सके, ठीक है। और ये जो एक दिन का जो इशू है, जो एक दिन के बाद में लिमिट खुलता है, ये अगले कुछ दिनों के बाद हम इसको रिड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आफ्टर फ्यू डेज आपको कम टाइम के अंदर, मतलब एक दिन का टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन 4-5 घंटों के अंदर आपका प्लेजिंग हो जाएगा। यानी अगर आप अर्ली मॉर्निंग, अगर आप 8:00, 9:00 को अगर आप प्लेजिंग करते हो तो 1-2 बजे के आसपास तक आपको लिमिट खुल जाना चाहिए। बट ये कुछ दिनों के बाद होगा, हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं। बट जो पॉइंट नंबर वन और टू है कि आपको एडवांस में प्लेजिंग करना है तो ही आपको लिमिट मिलेगा, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक बार आपकी प्लेजिंग हो जाती है, एक बार आप उस शेयर्स को प्लेज मार्क कर देते हो, उसके बाद आप चाहे तो उसको लाइफ टाइम प्लेजिंग में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लेज किया तो कल आपको वापस से प्लेज करना है, परसों वापस से प्लेज करना है, ऐसा नहीं है। आज आपने शेयर बाय किया, उसको आपने प्लेजिंग कर दिया, अब वो अगली बार आपको लिमिट लेने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। प्लेज शेयर्स कैन बी सोल्ड एनी टाइम, नो परमिशन रिक्वायर्ड। यानी अब आप बोलोगे यार मुझे अब अपना शेयर बेचना है, लेकिन मैंने मेरा तो शेयर प्लेजिंग करके रखा है, कोलेटरल दे दिया है, तो उसके लिए मुझे कुछ उसको करना पड़ेगा क्या? तो नहीं सर, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सिस्टम पे जाओ और डायरेक्टली जैसे आप नॉर्मली शेयर को सेल करते हो वैसा सेल कर दो, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में से अनप्लेज हो जाएगा और सेलिंग में चला जाएगा। तो सेल करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल करने के बाद अगर समझो अगले दिन या उसके अगले दिन या कुछ दिनों बाद आपने वापस से उस शेयर को बायबैक कर लिया, तो फिर आपको वापस से उसको प्लेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कुछ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए पड़े हुए हैं पहले से लेकर, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबका मार्जिन प्लेज कर दीजिए, ताकि आगे चल के अगले कुछ दिनों में कभी भी आपको लिमिट की जरूरत हो तो ऑलरेडी आपका शेयर जो है वो प्लेजिंग में पड़ा रहेगा, तो आपको इजीली लिमिट मिल जाया करेगी, ओके। अब हम बात करते हैं MTF की, जो कि जिसको कि हम बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक सिस्टम है जिसका हमने नाम दिया गया है MTF। MTF में होता क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू अगर आप अपने डीमैट में रखते हो, तो हम उस पर आपको दुगना लिमिट देते हैं, ठीक है।
और वो दुगने लिमिट से शेयर्स बाय करके आप अपने डीमैट अकाउंट में रखिए एमटीएफ के सेगमेंट के अंदर, आपको कोई आरएमएस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप मोतीलाल ओसवाल की फंडिंग पे शेयर्स बाय कर रहे हो तो आपको उसको मोतीलाल ओसवाल को ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज का जो सिस्टम है द इंटरेस्ट सिस्टम वो है 2% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पर मंथ, ठीक है। हर महीने का आपको 2% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लगने वाला है, साल का 24% होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, या जिनको फॉर एग्जाम्पल कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी होगा जिसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अगले 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए शेयर्स बाय करके रखने हैं, उनके अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपया है तो वो 1,00,000 रुपए को के सामने तकरीबन 2 से 2.5 लाख के शेयर्स बाय कर सकते हैं। नॉर्मल में जब आप बाय करते हो तो नॉर्मल में क्या होता है, अगले दिन आपको आरएमएस आ जाता है, राइट। आप बाय करते हो 2 से 3 दिनों के अंदर अगर आपने उसका डेबिट क्लियर नहीं किया तो आपको आरएमएस आ जाता है। बट अगर आप उसको एमटीएफ में लेके रखते हो तो आपको आरएमएस का प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपको एमटीएफ की लिमिट दी गई है, दुगुना, ढाई गुना, कुछ कुछ केसेस में 3 गुना भी मिलता है, बट सारे केसेस में 3 गुना नहीं है, 2 गुने से 2.5 गुने तक मिलता है लिमिट। यानी 1,00,000 रुपए पर आप 2 से 2.5 लाख का माल बाय करके रख सकते हो। तो आप एमटीएफ को ज्यादा से ज्यादा यूज करना भी आप शुरू कीजिए। 2% का जो उसका इंटरेस्ट है वो तो ऑब्वियसली आपको लगेगा क्योंकि आप फंडिंग पे ले रहे हो। अगर आप खुद के कैश पर अगर आप शेयर्स बाय करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे अभी आगे चल के रूल्स अभी चेंज हो रहे हैं, लोगों को हैबिट है कि वो लोग लिमिट लेके फिर बाइंग करते हैं, फिर उसकी पेमेंट कई बार लोग करते नहीं है, कई बार उनको चेक देने में डिले हो जाता है या फंड ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और उस वजह से फिर आरएमएस उनका माल सेल कर देता है। तो इससे बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है एमटीएफ। आप एमटीएफ एक्टिवेट करवाइए। उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे तो। एमटीएफ चालू कीजिए, एमटीएफ के अंदर शेयर्स बाय कीजिए, ठीक है। आपको 2 से 2.5 गुना लिमिट मिल जाएगा, 2% का मंथली इंटरेस्ट है, और आपको ये लिमिट वगैरह का भी आपको इतना इशू नहीं आएगा। सो एमटीएफ इज ग्रेट। अब इसका पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था, जो लोग अभी ऑलरेडी एमटीएफ कर रहे हैं, यस सर, यू आर अनम्यूट। तने जी आपने बहुत अच्छा बताया एमटीएफ का। मैं सिर्फ एक और चीज जोड़ देता हूँ, जैसा आपने बोला कि 2% मंथली है, 2% मंथली है, तो हमको मंथली नहीं भरना है, जितने दिन हम यूज करेंगे उतने दिन का ही अपने को इंटरेस्ट देना है, वो आप क्लेरिफाई कर दो। परफेक्ट, परफेक्ट। सो दिस इज ऑन जो 2% मैंने मंथली बताया, इसका मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी एक दिन, एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20 से 25 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एमटीएफ में कोई शेयर्स बाय कर लिए और उसको अगर आपने समझो 4 दिन बाद बेच दिया तो भी आपको 2% लगेगा, ऐसा नहीं है। महीने का 2% है। अगर आप उसको सिर्फ 15 दिन रख रहे हो यानी आधा महीना रख रहे हो तो 1% लगेगा। अगर आप उसको उसका भी आधा दिन रख रहे हो यानी हफ्ते भर के लिए रख रहे हो समझो, तो उसका आपको जो भी उसका 0.7% या व्हाटएवर जो भी उसका आपको चार्ज लगता है उस हिसाब से आपको लगेगा, 0.5 या 0.6 व्हाटएवर इट इज। ऑलराइट, सो दिस इज नॉट 2% मंथली का मतलब कैलेंडर सिस्टम नहीं है। जितने दिन के लिए आप रखते हो उतने दिन के हिसाब से वो चार्ज होता है। महीना भर रख रहे हो तो 2% है, 2 महीना रखोगे तो 4% है, लेकिन 1.5 महीना रखोगे तो 3%। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू आर कीपिंग। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि लोग जो लोग एक्चुअली अभी एमटीएफ एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं, ये उनको ये बात मालूम होगी कि पहले जब आप कोई शेयर बाय करते थे तो वो डायरेक्टली एमटीएफ में चली जाती थी, ठीक है। एज्यूम करता हूं कि अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए का कैश पड़ा है और आपने उसमें से 20,000 के शेयर्स बाय किए और आपका एमटीएफ सेगमेंट चालू है, आप एमटीएफ में काम करते हो, लेकिन इन दिस केस आपके पास 1,00,000 रुपया कैश पड़ा था और आपने 20,000 का आपने शेयर बाय कर लिया, तो आज तक क्या होता था, वो बाय डिफॉल्ट वो शेयर एमटीएफ सेगमेंट में चला जाता था। यानी आपका 1,00,000 रुपया क्रेडिट ऐसे ही पड़े रहता था और एमटीएफ में आपको एक 20,000 का डेबिट लग जाता था, ठीक है, और इस 20,000 के ऊपर आपसे फिर इंटरेस्ट लिया जाता था। तो हमारे पास काफी सारे क्वेरीज आते थे कि सर मेरे पास 1,00,000 रुपए जब कैश पड़ा था तो फिर वो एमटीएफ में क्यों गया, उसको नॉर्मल में होना चाहिए था, या मेरे पैसे जो मेरा जो 1,00,000 का लेजर है उसमें से कटना चाहिए था। तो इन दैट, अभी ये तो सेबी का रूल है सर, तो इसके लिए ऑब्वियसली जो एमटीएफ फैसिलिटी है दिस इज लिंक्ड टू एक्सचेंज, सो ऑब्वियसली अब तक ऐसा कोई रूल नहीं था। हम लोग क्या करते थे, शेयर्स बाय डिफॉल्ट एमटीएफ में चले जाते थे और फिर हम मेल भेज कर उसे रिलीज करवाते थे, ठीक है। बट अभी 1 तारीख के बाद में, अगले कुछ दिनों के बाद क्या होगा, जब भी आप कोई शेयर बाय करोगे तो आपको एक SMS आएगा कि आपको उसे एमटीएफ में रखना है या नॉर्मल में रखना है। तो इसी एग्जांपल को मैं वापस से रिपीट करता हूँ।
कि अगर आपके पास में 1,00,000 रुपया कैश पड़ा है और आपने कोई शेयर बाय किया, तो आपको एक SMS आएगा कि आपने ये सो एंड सो शेयर बाय किया है, आप इस शेयर को MTF में रखना चाहते हो या अपने नॉर्मल लेजर में जो आपका जो भी क्रेडिट होगा उसमें रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट बोले कि नहीं भाई मुझे तो उसको MTF में रखना है, तो वो वहां पर उनको एक OTP आएगा, वो OTP डालेंगे तो ही वो शेयर उनका MTF में चला जाएगा। अगर वो OTP सबमिट नहीं करते हैं या वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो जैसा आज आपका नॉर्मल बाइंग हो रहा है उसी तरह उसकी बाइंग होगी। ठीक है, तो पहले ये सिस्टम नहीं था, तो उस वजह से कई लोगों को काफी दिक्कतें हुई कि वो अकाउंट में क्रेडिट होने के बावजूद भी उनका शेयर MTF में चला जाता था। लेकिन एक तारीख के बाद अब ऐसा नहीं होगा, अब आप OTP डालेंगे तो ही आपका शेयर जो है MTF में जाएगा। ठीक है, अगर OTP सबमिटेड नहीं होगा तो MTF में नहीं जाएगा। ठीक है, सो दिस MTF इज द बेस्ट थिंग, MTF को ही हम सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जिनका भी मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट है, आप लोग MTF को एक्टिवेट करवाइए। विद इन 1 मिनट MTF एक्टिवेशन होता है। अगर आज बेसिकली एक्टिवेशन के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके लिए बाद में, कि आपको ऑनलाइन जाना है, अपने अकाउंट में लॉग इन करना है और MTF पे सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, वो मैं आपको मेरी तरफ से करवा के दे दूंगा। जैसे ही आप MTF पे क्लिक करते हो, विद इन 24 आवर्स आपका जो MTF सेगमेंट है वो चालू हो जाता है। यानी आज मंडे इवनिंग है, आज अगर आप अभी MTF का सेगमेंट चालू कर देते हो, सो आई थिंक बाय टुमारो ऑनवर्ड्स आप MTF की फैसिलिटी ले पाओगे। ठीक है, MTF का जो पिक्चर है उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग से मैं एक वेबिनार कर लूं, बिकॉज आगे जाके MTF विल बी वेरी 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 यूजफुल। ये सिस्टम जो मार्जिन प्लेज का जो सिस्टम एप्लीकेबल हो गया है और जो लिमिट फैसिलिटीज बंद हो गई है, उस वजह से MTF बहुत ज्यादा यूज में आएगा आगे चल के। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप MTF को यूज कीजिए, आप फंडिंग पे काम कीजिए तो आपको कैपेसिटी से आप थोड़ा ज्यादा ले पाओगे। 2% महीने का जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट है, अगर आप पूरे महीने भर में अगर 4-5% भी अगर आप कमा लेते हो स्टॉक में से, तो बहुत इजीली आप 2% का इंटरेस्ट पे करके आप उसके ऊपर का जो रिटर्न है वो आप ले सकते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप ज्यादा लेकर। एंड अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहता है, जैसे मैंने बताया कि भाई 2% अगर आपका महीने का अगर है तो 24% आपका साल का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा शेयर आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको ले सकते हो और पूरे साल भर में वो 30-40-50% का रिटर्न देगा या हो सकता है डबल भी हो जाए, तो 24% साल का भरना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 15 दिन अगर आप रखोगे तो 15 दिन का ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज के बाद में आप ये बिल्कुल भी मत ध्यान रखना कि आप मतलब आप इसको आप मार्क कर लो कि डेबिट में आप कोई काम नहीं होगा। हमारे पास काफी ऐसे कस्टमर्स है जो लोग डेबिट में काम करते थे, यानी जिनको भाई ऐसा था कि भाई लिमिट ले लिया, शेयर्स खरीद लिया, कल को डेबिट लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन दिन के बाद में हम उसको बेच देंगे, या RMS ने अगर तब तक सेल आउट कर भी दिया तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही सेल आउट होगा। तो अब ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए कि अकाउंट में आप क्रेडिट मेंटेन कीजिए, कैश बैलेंस मेंटेन कीजिए, या फिर अगर कैश बैलेंस नहीं भी रख सकते हो तो एटलीस्ट डेबिट मत रखिए, उसकी जगह पर आप अपने मार्जिन प्लेज करके रख लीजिए। ठीक है, मार्जिन प्लेज को करने से क्या होगा, आपको इजीली लिमिट मिल जाया करेगा। तो मार्जिन प्लेज का मैंने आपको सिस्टम समझा दिया कि अगर आपको 1,00,000 रुपए का शेयर बाय करना है तो कम से कम 20-25 हजार का आपके पास में या तो कैश होना चाहिए एडवांस में, या फिर 20-25 हजार की वैल्यू के शेयर्स होने चाहिए। फिलहाल जितना मैंने NSE के पास से जितनी हमको जानकारी मिली है एज ऑफ टुडे, वो सभी शेयर्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई ए ग्रुप के ही होंगे या NSE के लिस्टेड ही होंगे या टॉप जो ब्लू चिप ही होंगे ऐसा ही कंसिडर होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रुप का कोई स्टॉक होगा, आपके पास में कोई पेनी स्टॉक पड़ा है या BSE का कोई स्टॉक है, वो भी चल जाएगा। बस आप उसके ऊपर एक हेयर कट होता है, यानी अगर उस स्टॉक की वैल्यूएशन अगर समझो 20,000 है, तो उस 20,000 में से सिर्फ 15,000 या 12,000 ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन है 20,000 और आपने पूरी 20,000 की मार्किंग कर दी और अब बोलेंगे कि भाई मुझे अब आप 1,00,000 की लिमिट दो, तो ऐसा नहीं होगा। एक हेयर कट नाम का एक सिस्टम होता है जिसको मैं आप अगर आप मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको हेयर कट क्या होता है समझा दूंगा। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि किसी भी शेयर का पूरा वैल्यू नहीं लिया जाएगा, 60-70% डिपेंडिंग ऑन शेयर टू शेयर उतना कंसिडर किया जाता है, उसको हम हेयर कट बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आई थिंक सो अगर आप 20-25 हजार के शेयर्स अगर आप देना चाहते हो तो आप कम से कम 40-45 thousand तक के तो शेयर्स को आप एटलीस्ट प्लेज मार्क कीजिए। तो अगर आपका 40-45 thousand के शेयर्स प्लेज में होंगे तो 20-25 thousand के शेयर्स वैल्यू कंसिडर हो जाएगी, जिसके सामने आपको 1,00,000 रुपए तक का लिमिट मिल सकता है। ओके,
एंड द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द प्लेजिंग इज कि एक सिंगल ओटीपी पे आपका काम हो रहा है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको प्लेजिंग करवा के दे दूंगा. कल से, कल 1 सितंबर है, 1 सितंबर 2020, कल से सेबी का ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है. आज शाम को आप लोग ने देखा होगा कि आफ्टर मार्केट सेबी का एक नोटिफिकेशन आया कि वो जो एक्सटेंशंस मांग रहे थे ब्रोकर्स और क्लाइंट्स कि भाई हमको और एक महीने का एक्सटेंशन दे दो, वो सेबी ने मना कर दिया है. पहले ये रूल 1 अगस्त से एप्लीकेबल होने वाला था, बट अब ये 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो रहा है और कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. तो कल से रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे. तो सभी से रिक्वेस्ट है, डेबिट मेंटेन मत रखना, डेबिट क्लियर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके और मार्जिन टच करके रखिए. ऑलराइट, सो प्रोसेस के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोसेस करवा के दे दूंगा. और आपके एंड पे अगर आपको प्लेजिंग करना है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक प्रोसेस बना के दे रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप, 4 या 5 स्टेप्स का प्रोसेस है मैक्सिमम. तो वो 4-5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किया तो आपके एंड से भी किया जा सकता है. ओके, तो मैं आफ्टर दिस वेबिनार में एक स्क्रीनशॉट्स लेकर 4-5 स्टेप्स को फॉलो करके एक वो प्रोसेस बनाकर उसका एक पीडीएफ आपको मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा. अगर आज कोई पार्टिसिपेंट ऐसा है जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको हमारे फाइनेंशियल एंड स्टॉक न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ. वहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल्स और ब्लॉग्स आते हैं. और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. सो दिस इज दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. आपके जो भी क्वेश्चन है आप उसे चैट बॉक्स पर लिख दीजिए. एंड अगर चैट बॉक्स पर अगर आप नहीं पूछ सकते हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करवा दूंगा. सो बट कोशिश कीजिए कि आपका चैट बॉक्स पर रहे. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट राजेश सर टू जस्ट अनम्यूट हिमसेल्फ. आप एक बार अनम्यूट करके कुछ एक क्लोजिंग वर्डिक्ट देना चाहते हैं तो प्लीज दे दीजिए. सो राजेश सर, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. या आई हैव सेंट यू द रिक्वेस्ट टू अनम्यूट. यस, हेलो. या यू ऑडिबल सर. नहीं नहीं, बहुत अच्छी और एकदम क्लियर जानकारी दी है. एक तो क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर लीजिए. yeah. और कुछ अपने एंड पे भी अपने को अगर कोई क्लाइंट का अगर डिटेल मिल सकता है कि कौन डेबिट में है. mm-hmm. अपन पर्सनली भी उनको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है क्योंकि okay. पेनल्टी प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है और उससे बचना बहुत जरूरी है अपने को. ऑलराइट, पेनल्टी के ऊपर मैं बस इतना बता दूं कि पहले अभी तक में जो पेनल्टी था वो अप्रोक्सीमेटली 0.5% से लेके 1% के आसपास था. गोइंग फॉरवर्ड ये 1% से लेके 5% के बीच में कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है. यानी पहले अगर किसी का 1,00,000 रुपए का डेबिट था तो 1,00,000 रुपए पर 500 से 1,000 रुपए का पेनल्टी पड़ता था पर डे. लेकिन अब यही 500 के 1,000 के बदले 1,000 से लेके 5,000 के बीच में आ जाएगा. दिस इज ऑन अ पर डे बेसिस, यानी रोज का हो सकता है कि आपको 5,000 तक लगे. पेनल्टी सिस्टम क्या है मैं अगले वेबिनार के अंदर जब मैं एक डिटेल्ड वेबिनार कर लूंगा तो उसमें मैं एक बार एक्सप्लेन कर भी दूंगा. मोटा मोटी बता देता हूँ तने. यस सर, प्लीज प्लीज. फर्स्ट अगर जिस दिन शॉर्टेज फर्स्ट डे आता है, अगर 1,00,000 से कम का शॉर्टेज है तो 0.5% लगेगा पर डे. ओके, 1,00,000 से ऊपर है तो 1% लगेगा. ओके, और अगर 3 दिन कंटिन्यूस अगर वो डेबिट है तो पर डे 5% हो जाएगा वो. ओके, पेनल्टी. तो हाँ, तो इसके लिए एमटीएफ जरूरी है कि एमटीएफ में कैसे अगर हम महीने का 2% भर रहे हैं और इधर पर डे 1% या 5% लग रहा है. राइट, इसलिए एमटीएफ सबका चालू करा के रख लेना चाहिए, भले आप यूज करो नहीं करो. एमटीएफ चालू कराने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई चार्ज नहीं है. तो इसलिए एमटीएफ हर एक का चालू होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आए. परफेक्ट. सो अगर MTF से रिलेटेड भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे या तो चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस नाउ. पहले मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चंस कर लेता हूं, एंड इफ देयर इज एनी वर्बल क्वेश्चन तो आप प्लीज अपना हैंड रेस करके रखिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. ठीक है. सो आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम निधि मैडम. इफ मार्जिन इज यूज्ड अगेंस्ट द शेयर्स प्लेज देन वी कैनॉट सेल. ऐसा कुछ नहीं है मैम. अगर आपने शेयर्स को प्लेज कर दिया है और अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो आप उसको एनी टाइम आप बेच सकते हो. सेलिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उसको प्लेजिंग तो एटलीस्ट करवा के रखिए. अनप्लेज अगर आपको करना है, फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स को प्लेज कर दिया और फिर आप बोलते हो कि अब मुझे उसको बेचना तो नहीं है लेकिन अब मुझे उसको अनप्लेज करना है, यानी मुझे उसको वापस निकालना है,
तो आप उसका अनप्लेजिंग का भी एक प्रोसेस है, अगर हम वो सेम वही ओटीपी प्रोसेस है, अगर आप ओटीपी प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका अनप्लेजिंग हो जाएगा, राइट? सो या आई एम गेटिंग द हैंड रेजेस, आप हैंड रेज का बटन दबा के रखिए, मैं आपको वन बाय वन अनम्यूट करता जाऊंगा। आई जस्ट फिनिश अप विद द चैट क्वेश्चंस। चौहान सर इज आस्किंग इंट्राडे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सर इंट्राडे पे भी इसका इफेक्ट एक्चुअली पड़ेगा, ऑन अ पर्सनल लेवल आई एम स्पीकिंग, बिकॉज आपको लिमिट अगर लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई मैं आज शेयर खरीदी करूंगा और इसको मैं आज के आज ही बेच दूंगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तो फिर तो मुझे लिमिट दे दीजिए। तो नहीं सर, आपको अगर लिमिट लेना है तो लिमिट लेने के लिए आपको शेयर प्लेजिंग करना ही होगा। एक बार आपको लिमिट मिल गई तो फिर आप उस लिमिट से आप इंट्राडे करो, चाहे आप उसको अपने डीमैट में आप एज अ डिलीवरी खरीद लो, वो अलग बात है, लेकिन लिमिट लेने के लिए आपको शेयर प्लेज करना पड़ेगा, भले ही आपको अगर इंट्राडे क्यों ना करना हो। अगर आपको लिमिट नहीं लेना है तो आप फिर अपने व्हाट यू कॉल, अपने क्रेडिट पे आप काम कर सकते हो। ऑलराइट, ओके। सो आई एम गेटिंग वन मोर क्वेश्चन। इफ आई परचेज सम स्टॉक व्हिच हैज बीन टेकन डिलीवरी एंड होल्डिंग दीज शेयर्स एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड इफ आई प्लेज दीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक एज प्लेज, सो नो नीड टू पे एनी अमाउंट टू स्टॉक ब्रोकर, प्लीज कन्फर्म। यस सर, मिस्टर कृष्ण मोहन जी। सो सर, योर क्वेश्चन इज एकदम करेक्ट, आपका क्वेश्चन बहुत करेक्ट है। अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म के शेयर्स पड़े हैं तो आप उसको प्लेज करके रख लीजिए, तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप आई थिंक सो आप ऐसा पूछ रहे हो कि आप अगर आपने कोई शेयर्स आगे लिमिट पर अगर आपने लिया तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं। तो सर एक वापस से मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज पड़ा है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेट्स से वैल्यू है 2 लाख रुपए का, राइट? So now 2 lakhs is the 20% for 10 lakh rupees, correct? So आप क्या कीजिए, Reliance Industries अगर आपके पास 2 लाख का पड़ा है तो उसको आप pledge कर दीजिए। इस पर से क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी आगे चल के आपको लिमिट मिल जाया करेगा अप टू 10 lakhs, क्योंकि आपने 2 लाख का शेयर pledge किया है, बेसिकली आपने 20% का आपने मार्जिन रख लिया है, तो आपको 2 लाख के सामने 10 लाख या 20,000 होगा तो 1 लाख, इस तरह से आपको लिमिट मिल जाया करेगा। उस पर जो भी आप बाइंग करोगे लिमिट लेकर, तो उसका पेमेंट आपको T+2 में क्लियर करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर बता दिया था, आई थिंक सो, जस्ट वन सेकंड सर, या सो दिस इज द पॉइंट, फुल अमाउंट टू बी क्लियर्ड बाय T+2, ठीक है? शेयर्स बॉट ऑन मंडे, चेक शुड बी गिवन बाय वेडनेसडे। सो इसका मतलब यही है, आप लिमिट अगर ले रहे हो तो लिमिट लेने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट है, जितना भी डेबिट आपके अकाउंट में क्रिएट होगा, उसको आपको इमीडिएट बेसिस पे क्लियर करना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं फंडिंग पर काम करता हूँ, तो हमारे पास MTF फैसिलिटी है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड हम आपका अगर चाहे तो, अगर आपका मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट नहीं है तो मैं आपका अकाउंट खुलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं MTF सेगमेंट, तो आपको जैसे राजेश सर ने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिवेशन होता है, तो एक्टिवेट करने का कोई चार्ज नहीं है। एक्टिवेट करके अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितना दिन आप MTF का फैसिलिटी यूज करोगे उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। सो MTF इज द वेरी गुड फैसिलिटी, करेक्ट सर। सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ओनली टू द स्टॉक ब्रोकर जितना दिन आप यूज करोगे, करेक्ट सर? जैसा आपने लिखा कि आई हैव टू पे इंटरेस्ट टू द स्टॉक ब्रोकर ओनली फॉर यूजेज डेज, एग्जैक्टली सर, ओनली फॉर यूजेज डेज। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इंट्राडे क्वेश्चन इज क्लियर, एंड द मार्जिन क्वेश्चन इज क्लियर। सो नाउ आई विल स्टार्ट अनम्यूटिंग वन बाय वन। सो दीपक सर, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो, यस सर, ऑडिबल सर। अभी जो प्लेज किया शेयर्स, उसके बाद मैंने ऑन दैट बेसिस मैंने कुछ तो शेयर्स लिए, ओके ओके, वो अमाउंट सपोज 20,000 रुपए है, तो वो T+2 में 2 डेज में मुझे वो 20,000 रुपए देना पड़ेगा, करेक्ट सर? अगर मैंने वो T+2 डेज में मैंने वो दिया नहीं तो क्या होगा? तो थर्ड डे पे या फिर फोर्थ डे पे RMS सेलिंग तो होगा ही होगा, प्लस सेबी की तरफ से आपको एक हैवी पेनल्टी भी पड़ेगा। तो वो कितना रहेगा? सर जैसे भी राजेश सर ने बताया, अगर 1 लाख के नीचे है तो इट इज 0.05%, 1 लाख के ऊपर है तो इट इज 1%, कंसेक्यूटिव 3 डेज अगर आपका शॉर्टेज आ रहा है तो वो सीधा 3% या 5% तक वो आपको लग सकता है। सो द पेनल्टी स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रिक्ट सर। तो मेरा बोलना यह है कि जैसे आपने अगर मंडे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा भी है, इफ शेयर बॉट ऑन मंडे,
चेक शुड बी गिवन बाय ट्यूजडे एंड ऑनलाइन शुड बी क्लियर बाय वेडनेसडे. यानी अगर आप मंडे को आप प्लेजिंग वगैरह करके अगर आप मंडे को शेयर ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो बाय वेडनेसडे एट एनी कॉस्ट आपका डेबिट क्लियर हो जाना चाहिए, वरना थर्सडे या फ्राइडे को आरएमएस सेलिंग भी होगी और आपको पेनल्टी भी पड़ेगी. लेकिन कभी कभी चेक क्लियर होने को टाइम लगता है तो सर ये तो बैंकिंग इश्यू है सर, इस पे तो हमारा कभी कंट्रोल नहीं है. देखिए मैंने यहाँ पर ट्यूसडे क्यों लिखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इन दैट केस सेबी लगाएगा क्या पेनल्टी, ऐसा बोलो. बिल्कुल लगाएगा सर, 100% सेबी लगाएगा पेनल्टी अगर आपका चेक क्लियर नहीं हुआ. अभी देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा कि इफ शेयर ब्रॉट ऑन मंडे चेक शुड बी गिवन बाय ट्यूसडे. नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग मेरे ऑफिस में चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, ट्यूसडे को चेक भी चला गया लेकिन क्लियरिंग होने में 2 दिन चले गए, ठीक है. क्लियरिंग हुआ समझो वेनसडे इवनिंग को या थर्सडे को क्लियरिंग हुआ किसी कारण से, तो भले ही वो क्लियरिंग होगी और आपको पता है क्लियरिंग होने के बाद में भी काफी टाइम के बाद में क्रेडिट डीमैट में आता है, इमीडिएटली क्रेडिट नहीं आता है, आपको भी पता है. तो इवन इन दैट केस वो बैंकिंग इशू है तो भी थर्सडे या फ्राइडे को आरएमएस आपका सेलिंग कर देगा. उसके बाद अगर आपका क्रेडिट जमा होता है तो वो आरएमएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपके पास अगर क्रेडिट जमा हो गया तो फिर आपका आप चाहिए तो वापस से उसको बाय कर लो, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट. बट दिस बैंकिंग इशू, दिस चेक इशू, ये थोड़ा सा डिले वाला प्रॉब्लम है स्पेशली फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स. तो माय एडवाइस एंड सजेशन इज कि आप ज्यादा से ज्यादा नेट बैंकिंग और यूपीआई का यूज कीजिए. तो उससे क्या है, क्विक ट्रांजेक्शन होता है. और नेट बैंकिंग या यूपीआई नहीं यूज कर सकते हो अगर नहीं है फैसिलिटी, तो आप एनईएफटी कर दीजिए. एनईएफटी 4 घंटे में, 4 से 5 घंटे में अपडेट हो जाता है. तो एनईएफटी आपको किस अकाउंट में करना है वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको ये दे दूंगा कि कौन से अकाउंट में आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करना है. तो आपने अगर मंडे को शेयर लिया, ट्यूसडे को भी अगर आपने बैंक में जाके आपने एनईएफटी आरटीजीएस कर दिया तो आपका ट्यूसडे को आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा. लेकिन आरएमएस सेलिंग होने के बाद भी पेनल्टी लगता है ना सर? आरएमएस सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग. आरएमएस आपका थर्सडे या फ्राइडे को, व्हाट यू कॉल, डिपेंडिंग ऑन द शॉर्टेज, थर्सडे फ्राइडे या नेक्स्ट मंडे प्रोबेबली, उस तरह से आरएमएस सेलिंग होता है. आरएमएस सेलिंग के कुछ रूल्स थोड़े से अलग टाइप के है सर. फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर खरीद लिया और वो शेयर उधर ही चल रहा है या वहां से प्राइस बढ़ गया उसका फॉर एग्जाम्पल, तो सेलिंग थोड़ा सा डिले होता है, थर्सडे की जगह हो सकता है फ्राइडे हो जाए. बट फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर खरीदा और उसका वैल्यू भी नीचे आ गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने शेयर खरीदा, अकाउंट को डेबिट लग गया और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसका वैल्यू भी 10-20% या 30% से गिर गया, तो आरएमएस जो है उसको इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है, ठीक है. तो आरएमएस की लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है. तो ऐसा नहीं है कि आपने मंडे को लिया तो आप बोलोगे मेरा थर्सडे या फ्राइडे को सेलिंग होना चाहिए था तो पहले ही क्यों कर दिया. अगर उसका वैल्यू गिर रहा है तो आरएमएस क्या करेगा, बाय वेडनेसडे भी उसको स्क्वायर ऑफ कर सकता है, ठीक है. तो आरएमएस को हम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते बिकॉज वो उनके रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है. सो मेरा सजेशन यही है कि आप जितना हो सके आप क्रेडिट पे काम करो, एट एनी कॉस्ट आप डीमैट अकाउंट में डेबिट रखो ही मत. दैट इज द मेन थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से. ओके सर, थैंक यू. या निधि मैम, आई एम अनम्यूटिंग यू. अब हो गया, आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, यू ऑडिबल. अच्छा, इतनी मेरा सवाल यह है कि मैंने 2 लाख के शेयर्स प्लेज किए, 2 लाख के शेयर्स समझो रिलायंस के 2 लाख के प्लेज किए, ओके, और वो 2 लाख मार्जिन में यूज कर रही हूँ, ओके, और वो मार्जिन जो मैं यूज कर रही हूँ 2 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, 1.80 मैं यूज कर रही हूँ सपोज, ओके, तो लेकिन फिर मैं जब रिलायंस फिर उसको बेच नहीं सकती ना जब तक वो मार्जिन में यूज करती जा रही है. नो, आप बेच सकते हो, आप एनी टाइम उसको बेच सकते हो. फॉर एग्जांपल आज आपने प्लेजिंग कर दिया, 4 दिन तक आप उस प्लेजिंग के सामने आप उसको यूजिंग कर रहे हो, बेचते वक्त आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली टर्मिनल पे जाइए और सेल बटन दबा दीजिए, आपकी सेलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, रिलायंस तो बेच दूंगी तो वो जो मार्जिन यूज कर रही है उसका क्या होगा? क्रेडिट आ जाएगा ना, अगर आप रिलायंस बेचोगे तो उसके सामने क्रेडिट आ जाएगा, तो आपका क्रेडिट यूज हो जाएगा. नहीं नहीं, देखो मैंने आज अभी प्लेजिंग मंडे को मैंने प्लेज किया, बुधवार तक मेरा यूज हो रहा, बुधवार को मैंने रिलायंस बेच दिया, ओके, तो उसका जो क्रेडिट आएगा वो शुक्रवार तक आएगा, तो वो 2 दिन क्या होगा उसके उस अमाउंट का? तो उसके लिए भी एक्चुअली एक रूल आ रहा है, अभी तक उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली नहीं है, बट आई थिंक सो अगले 2-3 दिनों के अंदर उस पर क्लैरिटी आ जाएगी कि बेचते समय भी आपको अकाउंट में 20% मेंटेन करना होगा. अभी ये जो रूल है ये एक्चुअली अभी तक भी इसको मैं अलग अलग सोर्सेज फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस पर क्लैरिटी नहीं आई है, बट जितने रूमर्स है और जितने लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहे हैं ऑन द वेरियस मीडियाज एंड ऑनलाइन ब्लॉग्स, बेसिक रूल आपको बताता हूँ. जैसे खरीदते वक्त आपको 20% मेंटेन करना है, अगर आप 1 लाख रुपए की खरीदी कर रहे हो तो आपको 20,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए.
सिमिलरली अगर आप बेच रहे हो लाख रुपए का, भले ही अपने डीमैट में से क्यों ना बेच रहे हो, तो बेचते समय भी आपके अकाउंट में 20,000 की प्लेजिंग होनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ और मतलब है। मैंने 2,00,000 के शेयर्स प्लेज कर रखे हैं एक ही रिलायंस के, सपोज करेक्ट, मैंने उसके अगेंस्ट प्लेज के अगेंस्ट में 1,80,000 का मार्जिन अपना काम में ले रही हूँ ऑन इंटरेस्ट। ओके करेक्ट। फिर मैं रिलायंस बेच देती हूँ, करेक्ट, लेकिन मैं 1,80,000 का उधार ले रखा है मैंने। राइट, आपका माल खड़ा है अभी भी, करेक्ट, माल खड़ा है, माल हाँ उसके अगेंस्ट खड़ा है, correct. तो इसका मतलब मैं रिलायंस नहीं बेच सकती ना? ऐसा नहीं है मैम, आप बेच पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। Still, if you want, आप रिलायंस बेच पाओगे। क्रेडिट का इशू ऐसा है कि जो का क्या होगा जो मैंने उधार ले रखा है? Exactly, जो उधार का जो माल है वो तो ऑब्वियसली आपको अगले 2 दिनों में क्लियर करना ही है, वो तो सीधी बात है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको लाख रुपए का माल यूज करना है, ओके, लाख रुपए का माल यूज करना है, 20,000 का आपने रिलायंस प्लेज कर दिया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एम आई गोइंग करेक्ट? अगर आपको लाख रुपए का माल लेना है तो मैं पूरा अपना 2,00,000 के अगेंस्ट में मैंने 2,00,000 पूरा यूज कर रखा है मार्जिन, ओके, नॉट 1,80,000, सपोज 2,00,000 मैंने यूज कर रखा है कैश में, ओके, अगेन आई बॉट कैश शेयर्स अगेंस्ट इट, ओके, लेकिन फिर अगर मैं जब बेचने जाऊंगी रिलायंस तो ब्लॉक हुआ हुआ है ना, तो वो तो नहीं बेच सकती। ये थोड़ा सा एक्चुअली अगेन इस पार्ट पर भी काफी लोगों को एक्चुअली डाउट है। बेसिकली मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ प्लेजिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। आपके पास में फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे अभी आपने बोला कि आप 1,80,000 का यूज कर रहे हो या आप जैसे 2,00,000 का यूज कर रहे हो, आपको बेसिकली बता देता हूँ, अगर आप 2,00,000 का रिलायंस यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो 2,00,000 के रिलायंस के सामने सिर्फ 40,000 रुपया ही मार्जिन यूज हो रहा है आपका, ठीक है। अभी बेसिकली आप जो बात कर रहे हो दिस इज अपार्ट फ्रॉम MTF, करेक्ट, दिस इज अपार्ट फ्रॉम MTF, ठीक है। एक बार के लिए मैं MTF को साइड में रखता हूँ। एज ऑफ नाउ एक तरीके से सिस्टम, बेसिक सिस्टम ये है एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपको लेट से 2,00,000 का कोई माल खरीदना है तो आपके अकाउंट में 40,000 रुपया कैश होना चाहिए या 40,000 की वैल्यू के शेयर्स होने चाहिए। अब आपने क्या किया, 40,000 का कोई XYZ कंपनी प्लेज करके रख दिया और 2,00,000 का आपने शेयर भी खरीद लिया, तो जो 2,00,000 के शेयर आपने खरीदे है उसको आपको अगले 2 दिनों में एट एनी कॉस्ट क्लियर करना ही होगा। तो ये 40,000 का विषय अलग है, ठीक है, और 2,00,000 का विषय अलग है। आप वो 2,00,000 का जो आप लिमिट लेकर आप जो माल खरीदोगे उसको अगर आप अगले 2 दिनों में उसका डेबिट क्लियर नहीं करोगे तो थर्ड डे पे RMS उसको बेचने ही वाला है, ठीक है। इफ आई एम रेडी टू गिव इंटरेस्ट टू द कंपनी मोतीलाल को तो वो क्यों बेचेगा ना? तो आप MTF में काम कीजिए, उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन। हां वो MTF में काम करोगे ना? बेस्ट। अगर आप MTF में काम करते हो तो MTF के अंदर सिस्टम में आप बहुत बेसिक है, जो भी आपके पास वैल्यूएशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 1,00,000 के शेयर्स पड़े हैं, तो 1,00,000 के सामने आप 2 से 2,50,000 तक का और माल खरीद के रख सकते हो, और जितना आप MTF यूज करोगे उतने का ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। जितने दिन तक आप MTF में रखोगे उतने दिन तक ही आपको पे करना है। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि जो आपने बोला कि 2,00,000 का मैंने प्लेज किया उसमें मैं इंट्राडे 10,00,000 का मुझे मार्जिन मिल जाएगा, करेक्ट, तो 2,00,000 के वैल्यू जो, और वो जो मार्केट वैल्यू 2,00,000 होना चाहिए एक्चुअली आई थिंक, अगर जो आफ्टर हेयरकट वैल्यू, नॉट ओवरऑल वैल्यू, आफ्टर हेयरकट द वैल्यू शुड बी 2,00,000, करेक्ट, करेक्ट। तो अगर मैंने सपोज आफ्टर हेयरकट द वैल्यू ऑफ द शेयर इज 2,00,000, तो मुझे रोज इंट्राडे में 10,00,000 का मैं मार्जिन यूज करके और मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके द नेक्स्ट डे अगेन मैं 10,00,000 का मार्जिन ले सकती हूँ, करेक्ट, करेक्ट। और ये एक वापस से मैं एक बार वापस सब लोग के लिए क्लैरिफाई कर देता हूँ, बाकी लोगों के लिए भी, कि आपने अगर एडवांस में प्लेजिंग कर दी और 2,00,000 का अगर आपका प्लेज खड़ा हो गया आफ्टर हेयर कट, तो आपको उसको रोज रोज प्लेज नहीं करना है, प्लेजिंग वाले शेयर अपने ऐसे ही रखे रहेंगे और डेली आपको 10,00,000 की लिमिट मिलती जाएगी, ठीक, करेक्ट। Thank you, ma'am. So next question from Mr. Sudhir, sir. Sudhir Agarwal. Just a minute, sir. Yeah, Sudhir, sir, आप unmute करके अपना question पूछ सकते हैं. Yeah, Sudhir, sir, आपको unmute का request भेजा है. आप unmute करके आप अपना question पूछ सकते हैं. And apart from that, अगर किसी का कोई question है, तो आप chat box पे भी type कर सकते हो. जब तक आपको अनम्यूट नहीं करता आप चैट बॉक्स पे लिखिए। देखिए कल का जो रूल आ रहा है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सोशल मीडिया पे
सीएनबीसी पे, जी बिजनेस पे इसके बारे में सुना होगा, बहुत चर्चा हो रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके अपना डाउट क्लैरिफाई कीजिए। आपके पास बहुत छोटे से छोटा भी क्वेश्चन होगा जो मैंने इस टॉपिक में कवर कर लिया है, फिर भी अगर आपको वापस से जानना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं वापस से उसको क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग ने आई थिंक सो 4:30 को वेबिनार शुरू किया था, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ऑलरेडी मैं सारे पॉइंट्स तो कवर कर चुका हूँ, वेबिनार भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको वापस मिल जाएगी उसकी। बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके आप अपना हैंड रेस कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। सो अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर कृष्णमोहन, आई हैव नॉट केप्ट एनी ऑफ माय होल्डिंग अंडर प्लेज विद स्टॉक ब्रोकर एंड इफ आई वांट टू सेल माय होल्डिंग इन दिस केस आल्सो वेदर आई हैव टू कीप मार्जिन मनी विद स्टॉक ब्रोकर। यस मिस्टर कृष्णमोहन सर, ये आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली आप ये पूछ रहे हो कि अभी तक आपने कोई मार्जिन प्लेज किया नहीं है, ठीक है, और कुछ भी आपका कोई कुछ कोलैटरल नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर आप अपने डीमैट से अगर आप सेल करना चाहते हो तो इन दैट केस भी क्या आपको मार्जिन रखना पड़ेगा? तो इसका आंसर है यस सर, आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। अभी आगे चल के बहुत ये इशू आने वाला है। आप बोलोगे सर शेयर्स मेरे डीमैट में रखे हैं तो उसको ही मैं बेचना चाहता हूँ, इफ द शेयर्स आर इन माय डीमैट अकाउंट दैट ओनली आई वांट टू सेल, सो व्हाई शुड आई कीप द मार्जिन? सो सर दिस इज द सेबी रूल, you have to keep some margin whether you want to buy or whether you want to sell. agar aapke account mein shares pade hai aur usko agar aap bechna chahte ho to bhi aapko margin rakhna padega. it is the same 20-25%. yes rajesh sir, I'm getting you. nahi tane aap jo bol rahe ho usme thoda sa farak hai. yes sir, agar kisi ke demat mein shares rakhe hain yeah और उसको सिर्फ वो शेयर्स बेचना है या तो उसको मार्जिन की जरूरत नहीं है। उसमें okay. क्या है कि बहुत सारे लोग उस शेयर बेच के नया शेयर खरीदते हैं इमीडिएटली या उसके अगेंस्ट। ओके, तो उस केस में उसको वो मार्जिन चाहिए या एक्चुअली जो सेलिंग साइड पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो उसको मार्जिन या सर। सो जैसे सेलिंग साइड का मैंने बताया कि सेलिंग साइड में अभी तक पूरी क्लैरिटी आई नहीं है। नहीं नहीं, उसके बाद भी ऐसा ही है, अगर वो सिर्फ उसको सेल करना है उसके अगेंस्ट और नया बाइंग नहीं करनी है तो उसको मार्जिन की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। लेकिन अगर वो सेल करके वो सेलिंग के सामने उसको अगर बाय करना है वापस से नया उसी दिन, परफेक्ट, तो उसको वो मार्जिन जो हेयर कट है वो मेंटेन करना पड़ेगा। नॉट एन इश्यू, परफेक्ट। मैं एक बार मॉर्निंग में एक बार आरएमएस से वापस से क्रॉस चेक करवा भी लूंगा। कृष्ण सर, आई विल गेट बैक टू यू विद दिस, I'll check it out with RMS as well. Yeah, Nidhi ma'am, online we can check our list. Yes, Nidhi ma'am, you can check. आपने जहाँ पर भी pledging करके रखा है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। मैं इसका detail process एक बार WhatsApp कर ही रहा हूँ सब लोग को। After this webinar में एक बार screenshots लेकर एक पूरा detail procedure बना दूंगा। It is very simple process, 5-6 steps का process है जो मैं अपनी तरफ से follow करूँगा, आप भी अपनी तरफ से follow कर सकते हैं। एंड एक बार आपकी प्लेजिंग हो जाती है तो आपने कौन से शेयर्स को प्लेज किया है वो आप वहां पर जाके देख सकते हो। आई विल गाइड एवरीथिंग इन दैट प्रोसेस एज वेल। एंड आप हमारे को भी फोन करके आप एनी टाइम हमारे पास से चेक करवा सकते हो कि आपकी जो प्लेजिंग है वो हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो कौन से शेयर्स की हुई है, आप एनी टाइम आप चेक कर सकते हो। राइट, अगर आपने शेयर्स को प्लेज किया है और अगर उस पर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। Everything you will get. पहले के जमाने में क्या होता था कि कई बार एक तो स्टॉक कोलेटरल में जाता था एंड सेकेंडली कई बार आपको ब्रोकर का स्टॉक ट्रांसफर करना पड़ता था। ये 2-3 कॉम्प्लिकेटेड चीजें पहले हुआ करती थी। अब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, ऑल इन वन कर दिया है कि शेयर्स आपके डीमैट में ही रहेंगे और आपको उसको बस प्लेज मार्क करना है। बेसिकली आपको उसको कहीं देना नहीं है, कहीं भेजना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको बस उसकी प्लेज मार्किंग करनी है। प्लेज मार्किंग हो जाएगी, उसके सामने आपको लिमिट्स मिल जाएंगे, डिविडेंड्स है, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो आपको उसका राइटफुली मिलता रहेगा। सो या सुधीर सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप एक बार जरा अनम्यूट का बटन दबाकर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या इन द मीन टाइम इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आप रेज हैंड कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। If there are no further questions, I'll end this session in a minute.
All right. So I guess there are no further questions. ये इशू थोड़ा सा ये है, मतलब आपका जो मार्जिन प्लेज का जो सिस्टम आ रहा है इफेक्ट में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आ रहा है. हमारे एंड पे भी जो भी सेबी और एक्सचेंज की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है, हम वही आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो सबसे पहली चीज, आप इतना ध्यान रखिए कि आपको अकाउंट में डेबिट नहीं रखना है. आज के बाद डेबिट का सिस्टम नहीं चलेगा. सेकेंडली, पहले जैसे आप सिर्फ फोन करके लिमिट ले लेते थे, अब वो भी बंद हो जाएगा. अब आपको डायरेक्टली वन शॉट में लिमिट नहीं मिलेगा, आपको पहले प्लेजिंग करेंगे तो ही उसके बाद लिमिट आपका रिलीज होगा. एंड थर्डली, माय रिक्वेस्ट इज कि आप MTF का ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कीजिए. MTF इज अ वेरी गुड सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज एंड इन कोलैबोरेशन विद मोतीलाल ओसवाल. एक्सचेंज ने कुछ रूल स्पेसिफाई किए हैं कि अगर आपको MTF का यूज करना है तो आपको कौन से शेयर्स आपको गिरवी रखने होंगे या कौन से शेयर्स आपके डीमैट में होने चाहिए, उसकी एक लिस्ट है. आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा. या दीपक सर, आई एम अनम्यूटिंग यू सर. हेलो तने. यस सर, यू आर ऑडिबल सर. ये जो सब लफड़ा है प्लेजिंग का, ये तो ये कमोडिटी के रिलेटेड कुछ है क्या इसमें, कि आपने शेयर्स प्लेज किए हैं तो कमोडिटी में लिमिट मिलेगा या फिर कुछ ऐसा, या कमोडिटी में नहीं मिलेगा या फिर कमोडिटी में एक्स्ट्रा कैश रखना पड़ेगा? दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. आप करेंसी, फ्यूचर ऑप्शंस, कमोडिटी कुछ भी कर रहे हो, तो पहले क्या होता था, आपको आपके पास में फॉर एग्जांपल 1,00,000 का होल्डिंग पड़ा था. आपको अगर कमोडिटी में कोई गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल का अगर कोई स्क्रिप्ट बाय करना है या शॉर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स कंसिडर हो जाते थे. अभी आपको पहले प्लेजिंग करना होगा, उसके बाद ही आप कोलैटरल ले पाओगे. यानी लिमिट का तो सिस्टम अलग हो गया. लिमिट तो हम जो शेयर्स बाय करने के लिए लेते हैं, बट इवन अगर आपको FNO ट्रेडिंग करना है, यानी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करना है, तो उसमें भी आपको पहले प्लेजिंग करके रखना पड़ेगा. प्लेजिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर आप फ्यूचर्स या कमोडिटी के आप ट्रेडिंग कर पाओगे. नहीं नहीं, लेकिन अभी ये जो हम लोग प्लेज करेंगे उसके बाद ये ऐसा रहता है ना, कमोडिटी में सेपरेट, कमोडिटी का सेपरेट फंड रहता है कमोडिटी का, तो वो उसमें पैसा कैसा रहेगा? और अगर सपोज मैंने प्लेजिंग पे लिमिट ले लिया कमोडिटी में, ओके ओके, तो मुझे वो भी T+2 में करना पड़ेगा अगर मैं पोजीशन होल्ड रख रहा हूं तो? नो सर, माय एडवाइस टू यू इज, सबसे पहली चीज तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले सारे शेयर्स को प्लेज कर लीजिए, ठीक है. कमोडिटी के अंदर जैसे आप बता रहे हो कि कोलैटरल सिस्टम चलता था, करेक्ट. पहले हम क्या करते थे, हम पोजीशन बनाते थे और फिर आप कमोडिटी में आप कोलैटरल में आप वो जाता था. अगेन इसके ऊपर भी मैं क्लैरिटी लेता हूं, बट जितना हमारे पास में इंफॉर्मेशन आया है उस बेसिस पे बता रहा हूं सर कि प्लेजिंग करना इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सेगमेंट्स. फॉर FNO एंड फॉर कमोडिटी, इफ आई थिंक सो, इफ राजेश सर हैज एनी क्लैरिफिकेशन, यू कैन स्प्रेड सम लाइट. दीपक सर. यस. नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, ये देखो, पहले जिस प्रकार से हम कमोडिटीज, करेंसी, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है. जैसे हम मार्जिन लेते हैं उससे मार्जिन होगा. डिफरेंस क्या है, जैसे अगर आपने कोई शेयर प्लेज किए के सामने आपने अगर कमोडिटी का पोजीशन लिया है, यही आपका एग्जांपल, यही ना क्वेश्चन. आपने करेंसी अपना स्टॉक के अगेंस्ट एक कमोडिटी का पोजीशन लिया है, उसमें M2M आ गया, समझो लॉस आ गया आपको उसमें, तो लॉस आ गया तो शेयर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो वो केस में वो शॉर्टेज पकड़ेगा ना. हो रहा है क्लियर आपको? नहीं नहीं, सपोज मैंने कमोडिटी का पोजीशन लिया, सपोज मार्जिन के अगेंस्ट, प्लेज के अगेंस्ट, ओके हाँ, प्लेज के अगेंस्ट कमोडिटी नहीं लेगा वो तो. सर, प्लेज के अगेंस्ट आप सिर्फ कैश का ले रहे हो? नहीं, प्लेज के अगेंस्ट कमोडिटी का ले सकता हूँ ना मैं. क्या बोले? प्लेज के अगेंस्ट कमोडिटी का पोजीशन ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकते सर, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ. ये जो प्लेज की बात हो रही है, दिस इज ओनली फॉर कैश. ओके, तो फिर मुझे कमोडिटी के लिए रखना पड़ेगा कैश. ओके, क्यों मैं क्लियर करता हूँ, कमोडिटी में या करेंसी में या फ्यूचर्स में आपको अभी भी मार्जिन क्लियर रखना पड़ता है ना. ओके, तो फिर कमोडिटी में अगर मुझे पोजीशन लेना है तो मुझे कैश रखना पड़ेगा कमोडिटी में? हाँ, कैश रखना पड़ेगा. स्टॉक के अगेंस्ट जो पहले जो लिमिट मिलती थी, हाँ वो मिलेगी आपको, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्लेज.
ओके तो ये सिर्फ और ये सिर्फ मेन आपको समझना है कि हमने प्लेज के अगेंस्ट पोजीशन ले लिया, समझो आज शॉर्टेज नहीं है इसे समझ के, लेकिन समझो अगर वो उसके शेयर के रेट अगर गिर गए और हमारे वैल्यू कम दिख रहा है तो वापस वो पेनल्टी पकड़ेगा उधर। तो जैसे तने जी बोल रहे हैं ना कि ये सब क्लेरिफिकेशन आने को थोड़ा टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे भी एक एक चीज समझ में आएगी, अभी तक तो ब्रोकर्स को भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, इसलिए इसलिए तने जी भी बार बार बोल रहे हैं कि थोड़े दिन जो है हमको डेबिट के बिना काम करना चाहिए। बराबर है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ये था कि अगर कमोडिटी अगर सर सपोज मैं सिल्वर ले रहा हूँ एक लॉट, तो सिल्वर का जो लगेगा जिस उसको जो चाहिए क्या बोलते हैं आपको उसको मार्जिन, हाँ मार्जिन जितना चाहिए उतना मेरा इसमें है कैश में है उधर, ओके अब अगर सपोज रेट अब ऊपर गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है नीचे आ गया तो मुझे वो उस हिसाब उसमें क्या हो जाएगा फिर, अगर नीचे आया लेकिन मुझे पोजीशन होल्ड रखने का है तो उस केस में क्या हो जाएगा? नहीं हाँ बराबर है आपके, उसमें एक ही जो मेरे समझ में आ रही मैं आपको बताता हूँ कि वो जो आपने हम जो स्टॉक के अगेंस्ट एक कमोडिटी सिल्वर का एक पोजीशन ले लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट फिर आप कैश का मार्जिन ले सकेंगे ना। हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रही है, वॉइस इज क्लियर। हाँ तो बताने उनको ये समझाइए कि अगर वो कोई भी स्टॉक के अगेंस्ट उन्होंने समझो कमोडिटी का पोजीशन ले रखा है, ओके वही मार्जिन पे फिर वापस कैश का थोड़ी उनको लिमिट मिलेगा, ये क्लियर करो। नहीं नहीं कैश में चाहता ही नहीं है ना, आप फिर तो बात ही खत्म हो गई ना सर। हाँ हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपको कैश में भी मार्जिन चाहिए। नहीं मेरा वो सवाल ही नहीं था, मुझे सिर्फ कमोडिटी का ही पूछना था कि हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, तो अगर आपको नया नहीं लेना है कैश कुछ लेना ही नहीं है तो जो पहले का जो सिस्टम अपना चल रहा है वही चलेगा। Okay. ये जो भी चेंजेस अभी आए दिस इज ओनली फॉर कैश ट्रेडिंग और कैश डिलीवरी। ओके ओके अंडरस्टैंड। सो इस पे जस्ट मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि सर अभी कल से जो रूल्स लागू हो रहे हैं दीज रूल्स आर ओनली फॉर द कैश सेगमेंट, कल से जो भी रूल्स लागू होंगे उस पर फ्यूचर्स और करेंसी एंड कमोडिटी का कोई इम्पैक्ट फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में कैश में वो लोग बाइंग करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट वो लोग डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, ओके और फिर कई बार वो अपने कैश के स्टॉक्स को बेच भी देते हैं तो उसके सामने क्रेडिट आ जाता है। सो अब क्या होगा, अब इस तरह के जो सेबी के रूल्स आने की वजह से ऐसे लोगों को काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ओके सो माय सजेशन इज कि आप अगले कुछ दिनों तक पहले सिर्फ क्रेडिट में काम कीजिए, अकाउंट में डेबिट मत रखिए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कैश रहे। जैसे जैसे सेबी के पास से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको भी कम्युनिकेट करेंगे, आप न्यूज चैनल्स में भी आप पढ़ रहे हो सुन रहे हो कि न्यूज में भी वो लोग उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, बट बिकॉज ये सडनली एक बहुत ही टर्न अराउंड टाइप का एक बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा है इसलिए काफी सारा कंफ्यूजन अभी फिलहाल चल रहा है, बट इन कमिंग डेज हम लोग इस तरह के सेशंस के थ्रू आपके डाउट्स क्लैरिफाई करवा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो आपके डे टू डे ट्रेडिंग के लिए इशू आ रहा है आपको, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको डाउट्स क्लैरिफाई करवा देंगे और आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे अगर कुछ इशू आ रहा है तो हम उसको भी सॉर्ट आउट करवा देंगे। सो या थैंक यू सर, एंड जस्ट फॉर मैडम आई एम अनम्यूटिंग यू मैम। यस मैम यू आर ऑडिबल। हाँ ये अब क्या है कि एक कंफ्यूजन सी आ गई कि अगेंस्ट प्लेस्ड शेयर्स जो मार्जिन मिलेगा और एमटीएफ, अब इसमें क्या फर्क है? Pardon, I did just repeat it once again. MTF एक तो हो गया. Yes. और दूसरा हो गया हमने शेयर प्लेज करके उसके अगेंस्ट हमको मार्जिन मिला. Right. इन दोनों में क्या फर्क है? See, अभी आपको कोई शेयर अगर बाय करना है, मैं आपको एक बार ये नेट शेल में बताता हूँ. दोनों मेरा next. Yeah. I'll just explain you in a very brief. हाँ हाँ. And then again in the next session I'll cover it in the full. अगर आपको अभी जो बाइंग करनी है अभी जो बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? शेयर्स को प्लेज करना, ठीक है? राइट, शेयर्स प्लेज करने के बाद आपको लिमिट खुलती है और लिमिट खुल जाएगी तो आप एक बार अपना जो भी आपको आगे का स्टॉक लेना था आप उसको बाय करोगे, ठीक है? बाइंग होने के बाद शाम को या अगले दिन मॉर्निंग में आपको एक SMS आएगा कि ये जो शेयर आपने बाय किया है इसको आपको MTF में रखना है या नॉर्मल में रखना है। इन दैट केस आप क्या करोगे, आप MTF का बटन दबाओगे
आप ओटीपी सबमिट करोगे तो वो शेयर आपका एमटीएफ में चला जाएगा, राइट? उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जितना आपको कोलैटरल का कंसिडरेशन है, 40% होगा, 50% होगा, यस बैंक जैसा शेयर है तो उसको 80% भी होता है, यानी 1,00,000 का अगर यस बैंक आपको लेना है तो 80,000 रुपया आपका खुद का लगेगा उसमें टू शेयर. तो वो एक लास्ट स्टेप है कि वो आपका एमटीएफ में जाएगा या आपका नॉर्मल लेजर में जाएगा. अगर वो अगर आपका नॉर्मल लेजर में चला जाता है तो फिर तो आपको T+2 में क्लियर करना ही है. बट फॉर फर्स्ट स्टेप जो है बाइंग के लिए आपको एक बार तो प्लेज करना ही होगा ना, ताकि आपको लिमिट मिल सके और फिर आप बाइंग कर सको. एनीवेज एमटीएफ के अंदर जब आप बाइंग करते हो तो आपका डायरेक्टली बाइंग भी हम करवा देंगे. सो फॉर एमटीएफ इफ सर कैन से समथिंग आई विल अनम्यूट सर एज वेल. हेलो निधि जी. हाँ जी. हाँ, मैं तनेश शायद ठीक से नहीं समझ पाया. मैं आपको दोनों का फर्क बता देता हूँ. हाँ जी. दो आपने जैसा दो चीज बताई, वन इज प्लेज ऑफ शेयर्स, सेकंड इज एमटीएफ. हाँ जी. प्लेज ऑफ शेयर्स जो है वो आपको सिर्फ उस वो फर्स्ट डे के लिमिट के लिए काम में आएगा. मतलब जो 20% का जो हमको फर्स्ट डे मार्जिन मेंटेन करना है T+2 के पहले, उसके अगेंस्ट काम आएगा. उसके अगेंस्ट काम आएगा. अब जैसे तने ने बताया कि आपने पहले दिन 1,00,000 का माल ले लिया, 20,000 रुपए आपके मार्जिन थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन वो T+2 में आपको क्लियर तो करना पड़ेगा ना 80,000 रुपए. बिल्कुल बिल्कुल. वो जो 80,000 रुपए जो क्लियर करने के अगर हमको जरूरत नहीं है, उसके लिए एमटीएफ काम आएगा. अच्छा, तो एमटीएफ में हम लोग शेयर नहीं कर, वो 20% 30% मार्जिन यूज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, वही बता रहा है. एमटीएफ इसके लिए वो मेन फर्क है कि आपको जो सेम डे जो मार्जिन 20% का जो हेयर कट रखना है उसमें एमटीएफ काम नहीं आएगा आपके. लेकिन एमटीएफ भी जब आप लोग क्रिएट, सर जब आप लोग एमटीएफ भी क्रिएट करते हैं तो वो भी तो अगेंस्ट शेयर भी क्रिएट करते हैं एमटीएफ. नहीं वो बराबर है, बट दैट इज लोन ना. तो लोन का काय पे मिलेगा आपको? शेयर्स पे मिलेगा. लिमिट के लिए लोन नहीं यूज कर सकते ना आप. अच्छा, आपका मतलब है, समझिए, आज मैंने 2,00,000 का रिलायंस का किया है, उसके अगेंस्ट एमटीएफ है, तो वो 2,00,000 के रिलायंस के अगेंस्ट उसको मैं मार्जिन में यूज नहीं कर सकती. हाँ, वही बड़ा. आप ये नहीं बोल सकते मेरा 10,00,000 का एमटीएफ का मार्जिन पड़ा है तो इसलिए मुझे मार्जिन दो. आपने 10,00,000 का शेयर खरीद लिया तो 10,00,000 का शेयर वो एमटीएफ में चला जाए. हेलो. या इज इट क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब है कि एक ही पर्टिकुलर शेयर, एक ही पर्टिकुलर कंपनी को हम दोनों एमटीएफ में और प्लेज में दोनों जगह यूज नहीं कर सकते. नहीं, आप वापस कर, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. आपके आपके पास एमटीएफ का लिमिट है. ठीक है. ठीक है. आप और आपके पास ऑलरेडी 1,00,000 का शेयर पड़ा है आपके अकाउंट में. ठीक है. आपने अगर स्टॉक आपका शेयर प्लेज नहीं किया है. हाँ जी. तो आपने, हाँ, अगर आप 1,00,000 का भी माल खरीद रहे हैं तो आपको शॉर्टेज दिखाएगा वो. भले ही आपके पास 1,00,000 का स्टॉक पड़ा है, लेकिन अगर आपने प्लेज नहीं किया तो एक्सचेंज क्या बोलेगा? तुम्हारे पास बैलेंस कम है. बराबर है? करेक्ट. इसके लिए जो आपका 1,00,000 का स्टॉक जो आपके पास पड़ा है स्टॉक इसमें होल्डिंग में, उसको आपको प्लेज करना है. नहीं, आप मेरे ख्याल से मैं समझ में आ गया कि जो आप लोग एमटीएफ क्रिएट करते हैं वो तो डीमैट शेयर्स के अगेंस्ट भी क्रिएट कर देते हैं. हाँ, तो आप दोनों को मिक्स मत कीजिए. आप एमटीएफ एक मिल जाइए. हाँ, ठीक है. तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 1,00,000 रुपया का अगर हमारे पास माल पड़ा है और बैलेंस 0 है. बिल्कुल. लेकिन आपने अगर 1,00,000 का भी माल खरीदा, पहले क्या होता था, 1,00,000 का शेयर आपके पास है, इसके लिए वो कोलेटरल बोल के वो मांगता नहीं था. हाँ, ठीक है, ठीक है. अगर आपने स्टॉक प्लेज नहीं किया है, हाँ, वो 1,00,000 का वो बैलेंस आपको लिमिट नहीं पकड़ेगा ना. वो तो बोलेगा, हाँ, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कम है, शॉर्टेज है, वो आपको पेनल्टी लगा देगा. हाँ, वो कोलैटरल और प्लेजिंग में फर्क आ गया ना. ठीक है, बराबर है. इसके लिए अभी अपने को स्टॉक प्लेज करना है. दिस इज वन थिंग. ओके. अब ये हो गया, अपने स्टॉक आपने स्टॉक प्लेज किया था, इसके लिए आपको लिमिट मिल गया, आपने माल खरीद लिया, सब हो गया. लेकिन ये जो अभी 1,00,000 का जो माल आपने खरीदा है, उसको आपको T+2 में तो क्लियर करना पड़ेगा ना. बिल्कुल बिल्कुल. T+2 में अगर हमको क्लियर नहीं करना है वो, उसके लिए एमटीएफ काम आएगा. एमटीएफ और जिस पे इंटरेस्ट लगेगा फिर. ठीक है. यस यस, दैट्स अ लोन. ओके. या ठीक है. हां, ठीक है. या सो ऑलराइट, थैंक यू निधि जी. सो आई विल कीप दिस सेशन रनिंग फॉर वन मोर मिनट. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज हैंड.
to ask your question. So we are glad that many of the participants are asking questions in chat, and I am replying to all of them. And for verbal questions as well, you can raise your hands, unmute yourself, and ask your questions. This issue is quite important. जो rules कल से applicable हो रहे हैं बहुत important है. So my request to you all is कि आप इसको please एक बार समझ के ले लीजिए. भले ही आप उसको use नहीं भी करने वाले होंगे तो भी आप इसका जो rule है वो आपको at least एक बार समझ में आ गया तो आपको आगे stock market में बहुत clarity रहेगा going forward. So I'll keep this session running for one more minute. Yeah, Sudhir sir, I'm unmuting you. Hello. Yes, sir. You are audible. Good evening, sir. हाँ, good evening. Good evening, Tanay. Good evening, Rajesh ji. Good evening, everybody. मेरे एक question ऐसा है कि अभी for example मेरे पास 5 लाख रुपए का कल तक stock था. Yes, sir. 5 लाख रुपए का holding है. और उसमें समझो 1 लाख रुपए का मेरे पास आज की तारीख में सुबह ओपनिंग में मेरे पास मेरा मार्जिन भी था, अपना लिमिट था, ठीक है. लेकिन आज क्या हुआ, फिर मार्केट काफी वोलेटाइल रहा तो मैंने क्या किया, 1 लाख के अगेंस्ट में मैंने 4 लाख रुपए का माल खरीद लिया आज लिमिट में. यस सर. तो मेरा होल्डिंग अभी हो गया 10 का. ओके. तो कल इसका मतलब स्टेटस क्या रहेगा, कैसा रहेगा? सर, एज ऑफ टुडे तो सारे शेयर्स एक बार के लिए तो कोलैटरल से रिलीज हो रहे हैं. एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड सर, आपके पास में एज यू सेड कि 5 लाख का आपके पास में होल्डिंग पड़ा था. बराबर. एंड 1 लाख का क्रेडिट पड़ा था अकाउंट में, 1 लाख का बैलेंस पड़ा था. हाँ. आपने क्या किया, आज लिमिट लेके आपने और 5 लाख के शेयर्स खरीद लिए. बराबर. परफेक्ट. अब आज शाम को अभी तक तो क्या होता था, लेट्स अज्यूम इन अ नॉर्मल डेज, अब क्या होता था कि आपके पास 5 लाख का शेयर है और 1 लाख रुपए क्रेडिट है, यानी 6 लाख रुपए आपके पास है. हाँ. और 6 लाख के सामने आपने अब 5 लाख रुपए का और माल ले लिया. हाँ. तो एज अ कोलैटरल वो सब चलता था, राइट? हाँ. 2-3 दिन या कई बार 4-5 दिन भी लोग रख लेते थे उसको डेबिट में. हाँ. और फिर जब आरएमएस का एक्चुअली इशू आता था तब लोग उसको आरएमएस में वो लोग सेल करते थे. करेक्ट. गोइंग फॉरवर्ड अब आगे क्या होगा, अब यही सीनरियो को आरएमएस के पहले या तो हम लोग उसको मतलब फंडिंग कर देते या माल बेच देते थे, माल बेचते हुए या क्रेडिट का हुआ तो फिर वो आरएमएस में स्क्वायर अप हो जाता. करेक्ट. गोइंग फॉरवर्ड अभी क्या होने वाला है सर, अभी फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख का ये माल पड़ा है. ओके. तो आप इस सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ये 5 लाख के माल को आप प्लेज करोगे, राइट? प्लेजिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल, एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी. हां, वो समझ गया, वो ध्यान में आ गया. 5 लाख के माल के सामने फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ कि 4 लाख का माल ही कंसिडर होगा, क्योंकि हेयर कट नाम की एक चीज होती है कि पूरा 5, अगर उसकी वैल्यूएशन 5 लाख चल रही है तो जो यूजेबल जो है कंसिडर जितना होगा वो सिर्फ 4 लाख का होगा, एज्यूम करते हैं. ठीक है. तो 4 लाख के सामने अब आप 20 लाख का माल कैरी कर सकते हो. अच्छा. करेक्ट. तो आपके लिए 4 लाख का माल मतलब 5 लाख का माल एक बार प्लेज हो जाएगा, कंसिडर होगा 4 लाख का माल, और 4 लाख के सामने आप 20 लाख का फ्रेश बाइंग आप कर पाओगे. करेक्ट. अच्छा. ये 20 लाख का बाइंग करने के बाद आपको अगले 2 दिनों में अपना डेबिट क्लियर करना है. ठीक है. एज्यूम करते हैं कि आपने 2 दिनों में डेबिट क्लियर नहीं किया तो 3rd डे पे आरएमएस जो भी आपने एक्स्ट्रा बाइंग की थी वो आपका बेच देगा. इससे बचने के लिए हमारे पास में एमटीएफ सिस्टम है. तो एमटीएफ के अंदर क्या होता है कि आपने समझो ये 20 लाख का माल खरीद लिया, एक शाम को ओटीपी आएगा आपको कि भाई आपको इसको एमटीएफ में डालना है या नहीं. आपने उसको यस कर दिया तो वो शेयर आपका एमटीएफ में चला जाएगा. और एमटीएफ के रूल्स जो भी उसके लिए एप्लीकेबल है कि कितना क्रेडिट होना चाहिए, कितने स्टॉक्स मेंटेन होने चाहिए, क्या उसका परसेंटेज है, वो उसका साइड बाय साइड उसको एप्लीकेबल चलता रहेगा. सो ये दो अलग अलग चीज होगा ना, ये आज की ट्रेडिंग में नहीं होगा ना, कल की आज की ट्रेडिंग में नहीं होगा सर. बट आज इवनिंग में क्या हो रहा है, आज इवनिंग में सारे शेयर्स कोलैटरल से रिलीज हो रहे हैं. माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज कि अगर आप कोई फ्रेश बाइंग करते हो एंड आप डे टू डे बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करने वाले कस्टमर हो और अगर आप कोई आज फ्रेश आपने कोई शेयर्स ले रहे हो तो माय सजेशन इज कि आप उसको अनप्लेज प्लेजिंग करके रख लीजिए. यस आगे देना. दैट्स ऑल, माय क्वेश्चन इज ओवर एंड आई गॉट द गुड आंसर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. या मैम, आई एम अनम्यूटिंग यू अगेन. Yes, ma'am. I've sent you the unmute request.
अब आवाज आ रही है? यस मैम। अभी जो आपने एग्जांपल दिया कि 20 लाख का माल खरीद लिया अगेंस्ट 5 लाख के उसके मार्जिन के, फिर शाम को ओटीपी आएगा और मैंने एक दे दिया कि यस इसको एमटीएफ में जाना है शेयर को जो खरीदा आज, तो वो जो शेयर का जो बैलेंस जो मुझे पैसे देने हैं फिर वो आफ्टर हेयर कट, अगर वो फिर वो उतना ही अमाउंट देना होगा जो आफ्टर हेयर कट बनता है। आई मीन 15 लाख में अगर वो हेयर कट के बाद 12 लाख का हो गया और 3 लाख हेयर कट में चला गया तो मुझे आज जो शेयर मैंने खरीदा उसके लिए सिर्फ 3 लाख ही देना पड़ेगा ना। या बट एक वापस से मैं आपको एक बार जस्ट एक क्लैरिफाई कर दूं कि 4 लाख की प्लेजिंग है, 20 लाख का माल खरीदा गया है, तो 20 लाख के माल के सामने आपके पास में अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 10 टू 12 लाख के आपके पास में शेयर्स होने चाहिए, मतलब आपके पास में उतना मार्जिन होना चाहिए जो स्टॉक की जो एमटीएफ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। नहीं, अगर इसी शेयर को मैं एमटीएफ में डाल दूंगी तो ये भी कंसीडर हो जाएगा ना? यस बिल्कुल हो जाएगा। सी जनरली क्या है अभी तक एज ऑफ नाउ देखिए, एमटीएफ एक अलग चीज है, प्लेजिंग एक अलग। आई गॉट दैट। मेरा मतलब इस शेयर को जब मैं एमटीएफ में डाल दूंगी तो फिर मुझे इस शेयर का जितना एमटीएफ कवर कर लेगा मुझे इस शेयर का उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। आपके पास में वो मार्जिन कंसीडरेशन आ जाएगा उसका। अगेन दैट शेयर आल्सो। यस, हम जो आज का जो सेशन ये कर रहे हैं ना, दिस इज ओनली फॉर दोस पीपल जो लोग लिमिट लेके ट्रेडिंग करते हैं, यानी जिनको पहले क्या होता था एक कॉल करके 5 मिनट में लिमिट आ जाया करता था, राइट? तो अब आगे से उनको लिमिट नहीं आएगा, तो वो लिमिट लेने के लिए उनको प्लेजिंग करना होगा। तो आज का जो सेशन है दैट इज सोली फोकस्ड ऑन द लिमिट इशू, क्योंकि आज भी सुबह से यही हो रहा था कि मेरे पास में कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे थे कि सर मुझे 10 लाख का लिमिट दीजिए, 5 लाख का लिमिट दीजिए, एंड लिमिट तो हम लोग इमीडिएटली आरएमएस को बोलकर हम सैंक्शन करवा देते हैं। कई बार क्या होता है लोग लिमिट लेते हैं इंट्राडे के लिए और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, राइट? तो ये जो इश्यूज है, जो भी लिमिट वाले जो भी इश्यूज है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये मार्जिन प्लेज वाला सिस्टम आ रहा है। अगले कुछ दिनों में सारी क्लैरिटी अपने को धीरे धीरे आ जाएगी। ओके, इसमें अभी अभी क्या है देखिए, अभी कल से तो ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है, अब इसके अंदर एमटीएफ वाला सिस्टम भी क्लैश होगा, फ्यूचर ऑप्शन वाला भी क्लैश होगा, कमोडिटी वाला भी क्लैश होगा। सो वन बाय वन अपने को हर एक चीज का एक एक सर्कुलर के थ्रू अपने को क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा। सो विद इन वन शॉट हम लोग सबका वन शॉट में अगर हम लोग समझ नहीं जाएंगे तो वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज ओनली प्लेजिंग। So, आज का जो दिन है और कल का दिन है, लेट्स डेडिकेट इट टुवर्ड्स प्लेजिंग आवर शेयर्स। उसके बाद में हमको जैसे जैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बारे में हम इन गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे भी वो चेंजेस एप्लीकेबल होंगे हम उसको करते जाएंगे। ठीक है, या जस्ट वन मिनट। हेलो तने। यस, मेन कंसर्न क्या है कि जो 5% जो पेनल्टी अगर लगने वाली है ना, या हमको उसको अवॉइड करना है थोड़े दिन। परफेक्ट, थोड़ा काम ट्रेड कम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो 5% की पेनल्टी बहुत सीवियर है, अच्छे अच्छे थक जाएंगे, हर पर डे 5% लगने वाला है, इसलिए अपने को केयरफुल रहना है। 2-4-5 दिन में सब धीरे धीरे सब सब चीज की क्लैरिटी आती जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। सो माय सजेशन इज कि सबसे पहली चीज तो आप क्रेडिट मेंटेन कीजिए, यानी डेबिट को सबसे पहले आप क्लियर कीजिए। अगर आपके कैश लेजर में कोई भी डेबिट चल रहा है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए, दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। सेकेंड स्टेप विल बी द प्लेजिंग, आप प्लेज करके रखिए ताकि आप कल से या परसों से जो भी आप शेयर्स फ्रेश बाय करने जाएंगे उस वक्त आपको शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लिमिट आपको तुरंत मिल जाए करे। सो दीज टू थिंग्स वी हैव टू टेक केयर फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज। उसके बाद फिर जो जिसको रेगुलरली ट्रेडिंग करना है और वो चाहता है कि भाई मुझे रेगुलरली लिमिट मिलता रहे और मैं शेयर्स कैरी बाय करके ज्यादा दिन तक रख पाऊँ, फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स है, एमटीएफ वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अभी आज का तो जैसे आज मंडे है, जनरली हम लोग वीकडेज में सेशन नहीं करते हैं, बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ा। बट एवरी वीकेंड हम लोग इस तरह के सेशंस वन बाय वन एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए रखते जाएंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड कमिंग फ्यू डेज के अंदर आपको काफी सारे इस तरह के जो टॉपिक्स है डे टू डे बेसिस पे आपका क्लैरिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप बात करोगे या ब्रोकर को कॉल करोगे, ब्रोकर आपको उसका आंसर देगा कि भाई ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है, आपको क्या करना है। So, ये सब चीजें विद इन कपल ऑफ डेज फॉरवर्ड हो जाएगी। हमको पेनल्टी से बचना है, दैट इज द मेन प्रायोरिटी। सो पेनल्टी से बचने के लिए फर्स्ट स्टेप इज गोइंग विद द मार्जिन प्लेजिंग, तो वो आप करवा लीजिए। उसके आगे फिर हम लोग फिर देखते हैं फिर आगे हमको कैसे करना है। सो आई थिंक
If there are no further questions, so we can end today's session. So, Rajesh sir, would you like to add anything? Thanks. Hello. Yeah. And it's okay. Actually, अभी भी आज के भी सेमिनार में 20-25 लोग ही जुड़े हैं. Yeah. अभी तक भी लोगों को सीरियसनेस नहीं आया है, लेकिन जो भी आए हैं, at least we should be very careful. जैसा मोतीलाल ओसवाल है या और भी जो ब्रोकिंग फर्म है, वो भी इसके सबके सॉल्यूशन ढूंढेंगे धीरे धीरे. ऐसा तो नहीं है कि काम बंद हो जाएगा. और जस्ट एक जाते आते अभी, क्योंकि आज मार्केट में करेक्शन आया है, तो थोड़ा सा उस पर मैं बता देता हूँ कि वी वर एक्सपेक्टिंग सम करेक्शंस. आज का जो एक्चुअल में चाइना बॉर्डर का न्यूज आया है, वो न्यूज ऐसा को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, सीरियस नहीं था, लेकिन चूंकि मार्केट को गिरना ही था, इसलिए वो उसका एक बहाना मिल गया है सबको. तो वी शुड बी केयरफुल. हम तो पहले कई दिन से बोल रहे हैं कि पोजीशन कम रखो, तो थोड़ा दिन और अपने को केयरफुल रहना पड़ेगा. लेकिन हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे कौन सा लेवल ऐसा रहेगा जहां पे अपन बाइंग शुरू कर सकते हैं वापस. सो आई डोंट, डू यू सजेस्ट बाइंग एट दिस लेवल सर? नो नो, वी आर स्टिल वेटिंग. Okay, we will give levels where we can start buying again. Perfect. All right. See, we were the only. आपको मैं बता दूँ, हम लोग अकेले ऐसे थे जो बोल रहे थे कि आप careful रहिए. कोई TV वाला नहीं बोल रहा था, कोई भी नहीं बोल रहा था. हम बार बार हमारे सभी investors को continuous बोल रहे थे कि आप घाई मत कीजिए. There बहुत बड़ा correction की उम्मीद है. अभी correction कितना बड़ा है हमें नहीं पता, but we'll wait. Don't be in a hurry. जो भी अच्छा लेवल आएगा उस समय हम आपको बताएंगे, अपन ले लेंगे बात. श्योर. सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव एग्जिटेड. आई विल एंड दिस सेशन नाउ. थैंक यू सो मच सर. हैव अ गुड डे.